जा रहे श्री होते हैं शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। तो किसी किसी व्यक्ति की विचार, किसी किसी व्यक्ति का मन, किसी किसी व्यक्ति का चित्त किसी व्यक्ति से ज्यादा मिल जाता है। जैसे बद्रीनाथ गए, चंपारण गए, या कहीं ओमकारेश्वर गए, महाकालेश्वर गए, या कहीं तुम जा रहे हो सफर करने जा रहे हो, और सफर में कोई तुम्हारे पास में बैठा हुआ मिल गया, कोई तुम्हारे साथ स्नान करता मिल गया, कोई तुम्हारे साथ तीर्थ करता मिल गया, कोई तुम्हारे साथ में भगवान का दर्शन करते मिल गया, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि उससे हमारा लगाव इतना बढ़ जाता है कि फिर उसके घर में अगर शादी होती है, उसके घर में फंक्शन होता है, तो वो अपने पास भी पत्रिका भेजता है, अपने को भी बुलाता है। बोलो सही है कि गलत है? कई लोगों का कथा में बैठे बैठे आपस में इतना प्रेम बढ़ जाता है, एक दो कथा में मिले, दो तीन कथा में मिले, फिर इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे को अपने घर की शादी में, अपने घर के फंक्शन में, अपने घर के जन्मदिन में, शादी की सालगिरह में, या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो उसको आमंत्रित करता। अब विचार करिएगा जरा, 5 मिनट का होटल में मिलना हुआ, 10 मिनट का कथा में मिलना हुआ, आधे घंटे का किसी तीर्थ में मिलना हुआ, 5 मिनट ट्रेन में मिलना हुआ, 10 मिनट बस में मिलना हुआ, और इतना प्रेम आपस में बढ़ गया तुम्हारा 5 मिनट 10 मिनट का कि उसने तुमको अपने घर के कार्यक्रम में बुला लिया। जब 5 मिनट का प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है, कोई तीर्थ में मिलने वाले से हो जाता है, तो वो अपने शादी के फंक्शन में आपको बुला लेता है, तो 7 दिन कथा से जब प्रेम हो जाता है तो भोलेनाथ भी अपने धाम में अवश्य बुला लेता है, ये निश्चित है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। एक 5 मिनट आप बस में मिलते हो तो परिचय बढ़ जाता है, तीर्थ में मिलते हो तो परिचय बढ़ जाता है, 7 दिन अगर शिव महापुराण में परमात्मा से मिलते हो तो उससे भी तो परिचय बढ़ जाता होगा, वो भी तो आमंत्रित करता होगा, उसका परिचय बढ़ रहा है। जिस एकांतेश्वर महादेव की आप कथा सुन रहे हो, ये कथा कोई साधारण से विषय नहीं है। अपना अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर आप यहां बैठे हो, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, पार्वती मैया जब प्रकट हुई हिमालय राज के घर में, मेनावती के गर्भ से जब उनका जन्म हुआ, माता ने कहा घर में रहकर भगवान का भजन कर लो, पार्वती मैया नहीं रुकी।
एकांत में। हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं, अब यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ के करते कि नहीं करते वो पता नहीं हमको, करते हैं केदार हरतालिका तीज। तो हरतालिका तीज का व्रत जब माताएं करती हैं तो वो पार्वती जी की कथा को जब पढ़ती हैं तो उसमें पढ़ती हैं कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एकांत में जाती हैं, गुफा में प्रवेश करती हैं, बालू के शिवलिंग का निर्माण करती हैं और उसकी पूजन करती हैं। एकांत में अगर आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर रहे हो, एकांत में अगर भगवान शंकर की शिवलिंग का भी निर्माण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना वो आपका एकांतेश्वर महादेव ही होगा। वो आपका एकांतेश्वर महादेव ही होगा। एकांत में बैठकर किया गया भजन, एकांत में बैठकर किया गया मंत्र जाप, एकांत में बैठकर किया गया नाम जाप, एकांत में बैठकर किया गया शिव भक्ति हमारी आयु की वृद्धि करती है। अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। पत्नी कितनी भी सुंदर हो, पति कितना भी सुंदर हो, बच्चे कितने भी सुंदर हो, भाई बंधु कितने भी सुंदर हो, माता पिता कितने भी अच्छे हो, एकांत में अकेले आए हो और एकांत में अकेले ही चले जाओ। कोई दूसरा तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं होगा, केवल तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, तुम्हारा किया गया नाम जाप, तुम्हारा किया गया स्मरण, ये तुम्हारे साथ जाता है। एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाने का फल, एक बेलपत्री के वृक्ष को लगाने का फल, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से मात्र निकल जाने का फल कोई साधारण नहीं है हमारा। पांच गरुण पुराण के अंदर पांच महापाप बताए हैं, श्रीमद् भागवत में पांच महापाप बताए हैं, शिव महापुराण में पांच महापाप बताए हैं, गरुण पुराण में पांच महापाप कहे, श्रीमद् भागवत में पांच महापाप कहे, शिव पुराण में पांच महापापों का वर्णन किया है, कुर्म पुराण में, स्कंद पुराण में पांच महापापों का वर्णन किया है। उस पांच महापाप में पहला पाप है बाल हत्या। पहला पाप कौन सा है जम के बोलो जरा, बाल हत्या। दूसरे नंबर का पाप है पर स्त्री का भोग करना, पर नारी का संग करना, यह महापाप की गिनती में आता। तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण की चोरी करना, सोने की रकम चुरा लेना, सोने की रकम को प्राप्त कर लेना, यह महापाप की गिनती में आता। चौथे नंबर में आता है किसी के घर में आग लगा दे, किसी के घर में आग लगा देना, यह महापाप की गिनती में आता है। और पांचवें नंबर का होता है किसी के साथ विश्वासघात कर देना, यह महापाप की गिनती में आता है। कोई ने आपके ऊपर इतना विश्वास करा, कोई ने आपके ऊपर सर्वस्व विश्वास करा और उस विश्वास को अगर आपने तोड़ दिया तो यह महापाप की गिनती है। कितना पुण्य,
वेद व्यास जी ने क्यों लिख दिया शिव पुराण के अंदर कि शिव मंदिर तक जाना चाहिए, और मंदिर नहीं लिखा, शिवालय जहां शंकर का शिवलिंग हो वहां तक जाना चाहिए। वेद व्यास जी ने क्यों लिख दिया शिव महापुराण और स्कंद पुराण में कि जहां शिव महापुराण की कथा हो रोज समय ना मिले, प्रतिदिन भगवान की कथा सुनने का समय ना मिले, पर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में अगर कहीं शिव पुराण की कथा हो तो 5 मिनट के लिए, दिन में नहीं जा सकते तो रात्रि में जाकर उस भूमि को नमन करना चाहिए। ये शिव पुराण का आपको कथा में कहा था, हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने के लिए हेलीपैड पर एच बना होता है। हेलीकॉप्टर वाला देख लेता है कि एच बना है, हेलीपैड बना है, तो वो हेलीकॉप्टर को वहां उतार लेता है। वेदव्यास जी शिव पुराण में लिखते हैं जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में होती है उतने दिन तक भोलेनाथ जी का हेलीपैड वही भूमि कहलाती है, नंदी वही उतरता है। वेदव्यास जी लिख रहे हैं आपके पास में समय नहीं, आप 7 दिन नहीं जा सकते, 5 दिन नहीं जा सकते, 4 दिन नहीं जा सकते, 3 दिन नहीं जा सकते, 2 दिन नहीं जा सकते, 1 दिन पूरा नहीं जा सकते, पर 5 मिनट निकालकर, 2 क्षण निकालकर शिव महापुराण की कथा में जाना चाहिए। क्या होगा, स्कंद पुराण में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, विद्येश्वर संहिता में वर्णन कर रहे हैं, जो भूलवश अनजाने में भी शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाता है, जो अनजाने में भी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाता है, जो अनजाने में भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे से निकल जाता है, जो अनजाने में भी बेलपत्री के पेड़ को लगा देता है, उसको ये 5 पाप कभी नहीं घेरते हैं महाराज, उसको ये 5 महापाप कभी नहीं घेरते, वो पापों से मुक्त हो जाता है। कौन कौन से महापाप बताएं, पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो, बाल हत्या, दूसरे नंबर पर है पर स्त्री गमन, तीसरे नंबर पर है स्वर्ण की चोरी, चौथे नंबर पर है किसी के यहाँ आग लगा देना, और 5वें नंबर पर है किसी का विश्वासघात कर जाना। ये 5 महापाप की गिनती में आते हैं। हम कितना पुण्य कमाते हैं, हम कितना जल चढ़ाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, नमः शिवाय जपते हैं, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं, राम नाम कृष्ण नाम जपते हैं, हम प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं, और प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ाते हैं, पर हमको ये नहीं मालूम कि किसी के यहाँ पर बाल हत्या करी गई है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिसके यहाँ बाल हत्या हुई हो, जिसके यहाँ पर स्त्री का भोग किया जाता हो, जिसके यहाँ स्वर्ण की चोरी कर लाई गई हो, जिसने कभी किसी की आग लगाई हो या किसी ने विश्वासघात किया हो, उसके घर का मात्र 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो ये 5 महापाप हमारे खाते में चले जाते हैं। यहां तक शिव पुराण को, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनने बाल हत्या करी कि नहीं करी,
अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनके घर के लोगों ने कहीं आग लगाई कि नहीं लगाई? अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनने कहीं विश्वासघात करा है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ का इनके घर का पुरुष पर स्त्री गमन करता है क्या, या स्वर्ण की चोरी करता है, या सोने की चोरी करी है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको नहीं मालूम कि इनके घर के लोगों ने कहीं आग लगाई कि नहीं लगाई, पर स्त्री गमन किया कि नहीं करा, या स्वर्ण की चोरी करी कि नहीं करी? आपको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि आप अनभिज्ञ हैं। आप नहीं जानते कि इसके अपन ने पानी पिया तो ये कैसा है, आप नहीं जानते। तो शिवमहापुराण की कथा कहती है, आप अनजाने में उसके घर का पानी पियाए, अनजाने में आपके ऊपर 5 महापाप का दोष उसके खाते का चढ़ गया। पर आप अगर रोज शिव के मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, या 5 मिनट भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, तो ये समझ लेना कि हमने भले उसके घर का पाप लियाए थे, पर उसको हमने वापिस भगवान के चरणों में जाकर साफ कर दिया, उस महापाप को हमने समाप्त कर दिया। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हाथ छड़ी ना मैं कड़ी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। आपको नहीं मालूम कि आपने उसके घर का पानी पी, कौन व्यक्ति कैसा है आपको क्या मालूम पड़ेगा? हम छत्तीसगढ़ में आए, आप मध्य प्रदेश में आए, कोई उत्तर प्रदेश गया, कोई बिहार गया, कोई उत्तराखंड गया, कोई दिल्ली गया, कोई महाराष्ट्र गया, उसको क्या मालूम कि कौन व्यक्ति कैसा है? उसको मालूम ही नहीं, वो तो भजन में लगा हुआ है, वो तो स्मरण में लगा हुआ है, वो तो भक्ति में लगा हुआ है, भगवत नाम में लगा हुआ है, कीर्तन में लगा हुआ है, मंत्र जाप में लगा हुआ है, नाम जाप में लगा हुआ है। और जब अपनी भक्ति में वो रमा हुआ है, अपने भजन में वो रमा हुआ है, अपने कीर्तन में वो रमा हुआ है, अपने स्मरण में रमा हुआ है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो महापापों की गिनती में आया है और उसके हमने जल ग्रहण भी कर लिया, तो हम अगर शिव के द्वार जा रहे हैं, हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हम शिवालय जा रहे हैं, तो उन महापापों से हमारी मुक्ति हो रही है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, हमने बेकार कर्म किया, अगला जो जन्म होगा उसमें हमें भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। पर यदि हमने थोड़ा सा भी पुण्य अपना बचा कर रखा है, मरते दम तक भी अगर हमने शंकर की आराधना करी है, शिवालय गए हैं, या शिव कथा को अपने जीवन में उतार के रखा है, तो हमारे पास थोड़ा सा पुण्य है, वो पुण्य से हम कुछ अच्छा जन्म पा सकते हैं। दिन भर दुकान पर बैठे रहे, रविवार आया तो पत्नी और बच्चों को लेकर होटल चले गए, घर की बूढ़ी माँ घर में, घर के बूढ़े पिता घर के अंदर, और तुम अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर होटल में चले गए, दिन भर दुकान पर रहे, एक दिन मिला, वो एक दिन काय के लिए मिला कि पत्नी और बच्चों को लेकर किसी शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ा लेना, पर आप उसको भूलकर होटल में जाकर बैठ गए। हमने कमाया 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 कमाया, पर कभी भगवान की भक्ति में हम एक क्षण नहीं गए, तो अगला जन्म क्या मिलेगा?
जिसने अपनी जीवन में कभी भगवत भजन नहीं करा, केवल भोग करा, कमाया 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 और अंत में छोड़कर चला गया। अगला जन्म जैसे तुम बहुत व्यस्त रहे, बहुत व्यस्त रहे, बहुत व्यस्त रहे, उसी तरह भगवान अगला जन्म हमें बेल का बना देता है। बेल क्या करता है? बैलगाड़ी में लगा रहता है, और बैलगाड़ी में लगा रहेगा, दिन भर काम करेगा, दिन भर घूमता रहेगा, दिन भर हल जोतेगा, दिन भर बखर चलाएगा, दिन भर। पर यदि भगवान ने हमको बेल बनाया भी है तो परमात्मा से इतना सा कह देना, भगवान हमने कभी जिंदगी में एक क्षण की भी अगर कथा सुनी है तो बेल बनाना मना नहीं, पर हमें बेल नंदी बना देना, हमें वो नंदी बना देना जो हम भगवान के द्वार पर खड़े हों, भगवान की चौखट पर खड़े, वो बनाएगा। बेल और नंदी में बहुत अंतर होता है। बेल को खेत में काम करना पड़ता है और नंदी रोड पे से जाओ और एक बड़ा सारा नंदी, बड़ा सारा बेल, बड़ा सारा नंदी अपनी अलमस्त में घूम रहा है और रोड पे बैठा है। तुम्हारी गाड़ी भले 25 लाख की है, तुम 25 लाख की गाड़ी को साइड में से लेकर जाओ पर वो नहीं हटेगा, क्योंकि वो नंदी है, उसको काम नहीं करना है, उसको खेत में काम नहीं करना है। हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हमारे पास अगर बचता है, हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हमारे पास में रहता है तो ये मान कर चलना भगवान तुम्हें हल में नहीं जोतेगा, कोई नंदी बनाकर अलमस्त की जिंदगी जिया देगा। ये शिव तत्व। आप करो उसका भजन, हम कभी मना नहीं करते कि आप कर्म मत करिए, 24 घंटे काम करो, हम मना नहीं करेंगे। तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे दुगना तुम मेहनत करो, मना नहीं। अपना घर मत छोड़ो, अपना परिवार मत छोड़ो। क्यों छोड़े हम? अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता और गर्भ गीता, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता कभी पढ़ी हो, सुनी हो? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अष्टावक्र गीता को पढ़ा हो, बाजार से लेकर आए हो और पढ़ा हो? अष्टावक्र गीता पढ़िए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी गर्भ गीता पढ़ी हो? गीता प्रेस गोरखपुर की अष्टावक्र गीता भी मिलती है, गर्भ गीता भी मिलती है, श्रीमद् भगवद गीता भी मिलती है, पढ़िएगा। अष्टावक्र गीता, गर्भ गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को 3 बातों से सब कुछ समझा दिया। भिलाई, छत्तीसगढ़ के जितने भी भक्त कथा को सुन रहे हैं और टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भक्त लोग इस कथा को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। अष्टावक्र गीता को 3 शब्दों में अष्टावक्र जी ने जनक जी को समझा दिया। सुनो जनक, 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना अष्टावक्र गीता कर रही है। और सुनो भिलाई वालों, छत्तीसगढ़ वासियों, आपकी जिंदगी में अगर ये अष्टावक्र गीता
और गर्भ गीता की बात अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना और संपूर्ण देशवासियों को इस क्लिप को काट कर संपूर्ण देशवासियों को भेजना कि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी राजा जनक को तीन शब्द में गीता समझा रहे हैं, गर्भ गीता में दो शब्द में गीता समझा रहे हैं। अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, सुनो जनक, तीन बातों को, तीन शब्दों को अपने जीवन में उतार कर रखो। पहला, अष्टावक्र जी इन तीन शब्दों को अपनी जिंदगी में उतारिए। पहला, अपने धन को पकड़ो, पराए धन को छोड़ दो। दूसरा, अपनी स्त्री को अपने साथ रखो, पराई स्त्री को छोड़ दो। और तीसरा, अपने घर में रहो, पराए का घर छोड़ दो। ये अष्टावक्र गीता के तीन शब्द। अष्टावक्र गीता के तीन शब्द अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को कहे और गर्भ गीता के दो शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, पूरी गीता समझ में आ जाएगी। गर्भ गीता के मात्र दो शब्द हैं जिसको मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और वो दो शब्द हैं अपनी कमाई बोल दें क्या? अरे बोलो जम के बोल दें। गर्भ गीता के दो शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अपनी कमाई को छूना और अपनी लुगाई को छूना, पर दूसरे की कमाई और दूसरे की लुगाई मत। गर्भ गीता के दो शब्दों का स्मरण करिएगा, अपनी कमाई को हाथ लगाओ, अपनी स्त्री का स्पर्श करो, पर दूसरे की कमाई कितनी है, दूसरे का धन करोड़ों का भी पड़ा हो तो उसका स्पर्श मत करना, और दूसरे की नारी कितनी भी सुंदर हो उसका स्पर्श मत करना। ये गर्भ गीता का। आपको अच्छा लगे गर्भ गीता के दो शब्द का ज्ञान अपनी जिंदगी में उतारना कि अपनी कमाई और अपनी लुगाई का स्पर्श आप करना, पर दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन का कभी स्पर्श मत करना, मत करो। बर्बादी की पहली सीढ़ी है यह। अगर हम दूसरे के धन का स्पर्श कर रहे हैं और दूसरे की नारी का स्पर्श कर रहे हैं, बहुत सावधानी रखिए, बहुत। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। पांच महापापों से मुक्ति हमको रोज चाहिए, प्रतिदिन। कपड़े में चाय का कॉफी का दाग लग जाए, अब भी धो लो,
साफ हो जाएगा। कपड़े में चाय कॉफी का दाग लग गया, दो घंटे या तीन घंटे बाद धोगे तो वो दाग साफ नहीं होगा। हमने आज पाप किया है तो आज ही शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर धो लो, नहीं तो वो दाग पक्का होगा। चाय का दाग लग गया, अभी की अभी धो। हमसे झूठ निकल गया, अभी की अभी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने किसी को धक्का दे दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने किसी के साथ गलत कर दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्षमा मांग लो, सॉरी कह लो, पांव प्रणाम कर लो, नमन कर लो, दंडवत कर लो, क्या जाता है? गलती हो गई ना, क्षमा मांगने में क्या जाता है? भक्त बनना, भगवान बनने की कोशिश मत करना। आज दुनिया में बड़ा विडंबना चल रही है, जिसे देखो वो अपने आप को भगवान समझ रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूँ, मैं आपका जन्म मरण परण सब कुछ कर सकता हूँ। पर भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर भगवान के सिवाय दुनिया में कोई जन्म मरण और परण बताने वाला नहीं है। अगर बताने वाला होता तो यशोदा जी के दरवाजे पर यशोदा जी का हाथ देखकर भगवान शंकर ने कह दिया था कि यशोदा तेरे बच्चे के पीछे काल मंडरा रहा है। राम जी का स्वरूप देखकर कह दिया था राघव जी के जीवन में ये तकलीफ आएगी। ये शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। और दुख की घड़ी आएगी, ये निश्चित है। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई है, जिसने टूटे फूटे घर में रहकर अपना जीवन निकाला है, एक दिन मेरे महादेव की कृपा से ऐसा आता है कि उसको सुख का अच्छा दिन जरूर देखना पड़ता है। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई, जिसने बहुत ठोकरें खाई, जिसने पसीना बहाया, जो धूप में चला है, उसको एक ना एक दिन छांव अवश्य मिलती है और वो बड़ा मजबूत होता है। बाद में उसके जीवन में सुख मिलता है। सुख मिलने के बाद उसको अहंकार नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम है अगर वापिस वही दिन आ गए तो वो तैयार रहता है। दुख तो उसको आता है जो कभी फोर व्हीलर गाड़ी से पांव नीचे नहीं उतारता, कभी धूप में नहीं चलता, जो कभी बिना होटल के भोजन नहीं करता। ऐश और आराम की जिंदगी में ब्रांडेड कपड़े पहने हमने पूरी जिंदगी में, जब उसकी जिंदगी में दुख आता है तो उससे झेला नहीं जाता। वो एक ही काम करता है, तो मरी जाऊं तो अच्छा है। पर जिसने दुख झेल कर सुख झेला है वो मरने की नहीं सोचता, मेहनत करने की सोचता। वो और मेहनत करने की सोचता है। मैंने बहुत दुख देखा, बहुत तकलीफ देखी, बहुत कष्ट देखा। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिले, मेरी माँ ने ये काम करा, मेरे पिताजी ने ये काम करा। हम स्कूल जाते थे, बहुत मेहनत से जाते थे, कोई गाड़ी नहीं, पैदल चले जाते थे। जिसने शुरू में दुख देखा है उसके जीवन में एक बार सुख जरूर आएगा। तुम चिंता मत करना, जो ज़्यादा ठोकर खाता है एक दिन उस पत्थर को लोग उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। जो पत्थर बीच में बार बार ठोकर देता है, जो पत्थर में ज़्यादा ठोकर लगती है, उस पत्थर को उठाकर लोग बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। कोई दूसरा आता है उस पर सिंदूर पोत कर चले जाता है, कोई तीसरा आता है उसे अगरबत्ती लगा कर चले जाता है। जिसने ठोकर खाई होती है वो एक ना एक दिन मंदिर में पूजा जाता है, ये निश्चित है। अगर दुनिया के लोग ठोकर दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, चिंता मत करना। काय की चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में। अच्छा केवल इतना जानते हैं सारी समस्या का हल, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं जानते। अंधविश्वास, ढोंग, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, इन सब से दूर हटकर आप अपने महादेव को कुछ मत दो, केवल एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। जब आप एक नियम बना लोगे शंकर जी के मंदिर जाने का, तो महादेव भी नियम बना लेंगे तुम्हारे दुख मिटाने का, ये निश्चित है। अब जाओ उसकी शरणागति। मैं कौन से कपड़े पहनूं जो घर के लोगों को अच्छा लगूं, ये हमारी सोच होती है। मैं कौन से कपड़े पहनूं कि उनको अच्छी लगूं, उसी तरह मैं कौन सा भजन गाऊं कि मेरे महादेव को अच्छा लगूं, ये भाव होना चाहिए। हम कौन सा भजन करें, हम कौन सा कीर्तन करें, हम कौन सा मंत्र जाप करें, हम कौन सा स्मरण। एक बात कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की भूमि पर, छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग निवास करते हैं, जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया हैं, वो कभी किसी के साथ छल और कपट नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे। राम पथगमन में जितना कोई प्रदेश नहीं आया, सबसे ज्यादा राम पथगमन में छत्तीसगढ़ आया है। राम पथगमन में कोई प्रदेश इतना नहीं आया जितना छत्तीसगढ़ आया है। मेरे राम छत्तीसगढ़ की धरा से दो दो कदम चलकर बढ़ते गए हैं। मेरे राम के लिए पलक पावड़े छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, वन में निवास करने वाले निवासियों ने, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में छत्तीसगढ़ के उन भक्तों ने मेरे राम की सेवा करी है, निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, कोई कपट नहीं, कोई छल, कोई छल। निष्कपट भाव, उसको कोई मतलब नहीं। इनको तो, छत्तीसगढ़ के निवासियों को तो तुम्हारे लड्डू पेड़ा और गुलाब जामुन और बालूशाही से भी मतलब नहीं है। वो तो सांभर और चावल, दाल और चावल खाकर अपनी जिंदगी मस्त जीने वाला व्यक्ति, मस्त अलमस्त है छत्तीसगढ़, उसका एक आनंद अपने आप में। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टेंशन का विषय यही बना हुआ है कि गांव गांव में, जंगल जंगल में लोग शंकर जी के मंदिर में एक एक लोटा जल चढ़ाने लगे। बड़ी मुश्किल से कई विरोधियों ने, विधर्मियों ने इनको मंदिर से बाहर किया था, और आज फिर ये वापस मंदिर में प्रवेश कर गए तो लोगों को चिंता रहती है, टेंशन है, कई लोगों को बड़ी चिंता है। मंदिर मंदिर भगवान के जाने लगे, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाने लगे, अब ढोंग और प्रपंच से दूर हो गए, अंधविश्वास से दूर हो गए, ये भ्रम से दूर हो गए। अब इनके मन में आ गया कि केवल एक है, ब्रह्मा जी को भी देने वाला, भगवान विष्णु को देने वाले, राम जी को देने वाले, कृष्ण को देने वाले, संपूर्ण देवी देवताओं को अगर कोई देने वाला है तो वो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव है, बस वो जो देता है वही श्रेष्ठ रहता है, उसकी श्रेष्ठता। शिव कथा कह रहे, पार्वती मैया ने
एकांत में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है। पार्वती जी ने शिव जी की पूजन करी है, एकांत में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है। माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है और उसकी पूजन करती है। मेरी जीजियों और कथा पंडाल में बैठे मेरे जीजाओं, एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, ज्यादा आपसे कुछ नहीं बने ना। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठो या भगवान की पूजन करो घंटों तक बैठकर, हम कभी नहीं कहेंगे। आप तो एक क्षण के लिए भी भगवान के सामने जाओ तो निर्मल मन से जाना, निर्मल मन से। एक पुल बनाने के लिए सरकार पूरा बजट देती है कि ये वाला पुल बना लेना, उसके लिए इतना बजट है। भगवान भी जब मनुष्य का जन्म देता है, मानव का शरीर देता है, तो पूरा बजट देता है। भगवान भी इस मनुष्य को ऐसे ही नहीं भेज देता है, पूरा बजट देकर भेजता है, पूरा बजट। नीचे जाना, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम गाना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, स्मरण करना, भगवान की अविरल भक्ति में डूबना और इस पुल को सही बनाकर पार उतर जाना। ये मानव का जो शरीर है ये पुल का काम करता है इस आत्मा को पार उतारने के। जिससे सरकार ने बजट दिया, ये पुल अच्छा बनना चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए, करोड़ों का बजट आया, पुल बना, पर पुल इतना नीचे बना कि पानी में डूब गया। किसी ने पूछ लिया ऑफिसर ने, क्यों पुल इतना नीचे क्यों बनाया, पानी में डूब गया? साहब पैसा नहीं था। पैसा नहीं था, बजट कितना आया था? साहब बजट इतना आया था। तो पैसा गया कहाँ? अर्थात परमात्मा ने भी शरीर दिया है भगवान का भजन करने के लिए। 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है, पूरा बजट दिया है परमात्मा ने, पर हमने इस शरीर की 21,600 श्वास को सही से लगाया नहीं और मालूम पड़े वो शरीर आखिरी में डूब गया, समाप्त हो गया, संसार सागर में विलीन हो गया। दिया उसने 21,600 श्वास परमात्मा ने दी भगवत भजन करने के लिए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए भगवान का भजन करने के लिए, नेत्र दिए दर्शन करने के लिए, श्रवण दिया सुनने के लिए, मुख दिया भजन करने के। पर हम नहीं कर पाए, कहां कर सकते। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इतना सुंदर शरीर दिया था, इतना अच्छा शरीर दिया था, उसको हमने भगवान की भक्ति में नहीं लगाया। समझ नहीं पाए, हीरे को खोजते रहे और दर्पण छोड़ दिए। कान में पहनने वाले हीरे की कीमत कब होती है, गले में पहनने वाले हीरे की कीमत कब होती है? तुम भले करोड़ों का हीरा ले आओ, करोड़ों की ज्वेलरी बनवा लो,
पर करोड़ों के जेवर की कीमत जब होती है, जब 10 रुपए के दर्पण के सामने जाते हो और दर्पण में अपना मुख देखते हो, तब कीमत होती है कि सोना या हीरा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लाखों रुपए के हीरे की कीमत कुछ भी नहीं है अगर दर्पण में नहीं देख सकते तो। दर्पण में जब चेहरा देखते हो, 10 रुपए का दर्पण करोड़ों रुपए के हीरे की चमक दिखाता है, और अगर दर्पण नहीं होगा तो करोड़ों का हीरा भी बेकार है। उसी तरह ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये परमात्मा का दर्शन करा देती है अगर भजन है तो, और अगर भजन नहीं तो कहाँ कीमत। करो उसकी, पार्वती जी कर रही है शिव जी की पूजा एकांत में बैठकर। क्या दिया एकांतेश्वर महादेव ने? एकांतेश्वर महादेव को तुम्हारे पास बेलपत्री नहीं हो तो भले मत चढ़ाना। एकांतेश्वर महादेव को तुम्हारे पास जल नहीं हो तो भले ना चढ़ाई। एकांतेश्वर महादेव पर तुम्हारे पास चावल भी नहीं है तो मत चढ़ाओ। एकांतेश्वर महादेव तुम्हें कहीं दिख जाए, हरतालिका तीज की कथा कहती है, पार्वती जी के पास में कुछ नहीं था तो पेड़ों की पत्तियां तोड़कर उन्होंने चढ़ा दी थी, इसलिए एकांतेश्वर महादेव का कहीं दर्शन तुम्हें मिल जाए, एकांत में शिवलिंग मिल जाए, उसके पास में जो पत्ता पत्ती लगे हों वो तोड़कर भगवान का श्रृंगार कर दो, एकांतेश्वर महादेव की पूजा। हरतालिका तीज का व्रत आप लोग करते हैं तो आपको मालूम होगा, सब तरह की पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ा दो, सब स्वीकार। कई लोग कहते भी हैं ये आंकड़े का फूल, ये कितना जहरीला फूल, आप इसका दर्शन करेंगे, आंख का फूल कितना जहरीला, इसका पत्ता तोड़ो या फूल तोड़ो और उसका दूध आंख में चला जाए तो मालूम पड़े आंख खराब हो जाए, कितना जहरीला है। कनेर कितना जहरीला है, पशु भी नहीं खाता। किसी देवता को नहीं चढ़े केवल शंकर जी को चढ़े। धतूरा किसी देवता को नहीं चढ़े केवल शंकर जी को चढ़े। ये शिवजी को हर कोई सा पत्ता चढ़ जाता है। शंकर भगवान कहते हैं मेरा नियम ही है, ये दुनिया के जो लोग हैं ना बड़े चतुर होते हैं, जो 10 का नोट, फटा हुआ नोट, गला हुआ नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, जो फट गया, गल गया, सड़ गया, किसी काम का नहीं, जो दुकान पे भी नहीं चले वो मंदिर में चले। वो आरती में चले, बोलो चले कि नहीं चले, कौन देख रिया। आरती में लिया 10 का नोट चढ़ा दिया, जो दुकान पे नहीं चले, पानी की बोतल में नहीं चढ़े, गुटका में नहीं चले, वो शिव पुराण में चले। क्यों? क्योंकि चढ़ाने वाले को भी मालूम है कहीं नहीं चलेगा केवल शिव पुराण में चलेगा। उसी तरह भगवान को भी मालूम है इसको कोई नहीं तारेगा, महादेव ही तारेगा। ये शिव को भी जो कहीं नहीं चल सकता वो मेरे पास चल सकता। बोल बम का नारा है बाबा एक सहार, जो कहीं ना चले वो यहां चले और कहीं नहीं चले।
हम इसीलिए लोग कहते हैं ना, देख लिया संसार हमने और सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संसार बड़ा विचित्र है, उसको जानना कठिन है, पर विश्वास रखना 3 महीने में बाबा भर कर जरूर देगा, ये निश्चित है। पार्वती मैया बाल्यावस्था से शिव जी की आराधना में लगी, एकांत में शिव की आराधना। बहुत ध्यान देना इस कथा पर, कोई जरूरी नहीं है कि आप जल चढ़ाएं जब सब आपको देखें, कोई जरूरी नहीं है कि पशुपतिनाथ का व्रत करें तो पूरे मोहल्ले की माताएं कर रही हो तब आप करें, जरूरी नहीं है, आपका जब मन कर जाए। एक प्रश्न किसी ने लिखा, उन्होंने कहा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए, तो जिन्होंने लिखा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए, तो हम उनसे पूछेंगे कि मरना कौन से महीने में चाहिए। जब मरने का कोई सीजन नहीं होता, मरने का कोई दिन नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई पल नहीं होता, मरने की कोई घड़ी नहीं होती, तो पशुपति व्रत करने का भी कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन करे तब करो। कितने व्रत? 5। कितने दिए? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा। हम तो लोगों से कहते हैं आडंबर में पढ़कर व्रत मत करना। कोई ने कह दिया कि उस दिन तो केवल मीठा ही मीठा खाना चाहिए, तो वो महाराज को तो पकड़ के लाओ जिसने कहा। पूजन की 1 थाली सोमवार का पहला दिन व्रत का, सुबेरे जो थाली लेकर पूजन करने जाओ, बाबा का अभिषेक पूजन कर कर आओ, वो थाली वापिस रख दो, वही थाली शाम को ले जाओ, 6 दिए रख कर ले जाओ, मीठा का प्रसाद ले जाओ, 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई कागज जो आपको लगे वो ले जाओ, और जाकर 6 ही दिए मंदिर में नीचे रख कर 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर रख दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 बिना जला दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लो, पूजन कर लो, बाबा से प्रार्थना कर लो, बाबा आज आपका पशुपति व्रत पहला करा है, मैंने सुना है आप खाली नहीं छोड़ते बाबा, मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण जरूर करना, आप झोली जरूर भरना, बाबा से विनय करो, आ जाइए। घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ में बैठकर अपने घर की ओर मुख कर सीधे हाथ की ओर, जो घर का सीधा हाथ हो अंदर जाते समय वहीं बैठकर दिया लगा दो, बाबा से प्रार्थना कर अंदर प्रवेश करो, प्रसाद का जो 1 हिस्सा है उसको भोजन करने से पहले खा लीजिए, भोजन करने के पहले। भोजन जो तुम्हारे यहां बना है बड़े प्रेम से पाइए। ऐसे 5वां व्रत जब आए, 1 श्रीफल भेंट मंदिर में चढ़ाकर, 1 स्वाट फूल हो तो फूल, पत्ती हो तो पत्ती, जो मिल जाए चावल का दाना मूंग का दाना जो 1 स्वाट मिल जाए शिव जी को चढ़ा, बाबा से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, बाबा से विनती करो, और बाबा से निवेदन कर कर 5 व्रत तुम्हारे पूर्ण हो बड़े आनंद से करिए, मेरा पशुपतिनाथ कृपा करेगा।
भाव से भजन करो। वो पशुपति नाथ है। एक एक पशु पक्षी का भी पेट भरने वाला है, एक एक पशु पक्षी का। सहज नहीं है मेरा भोलेनाथ। वो कहते हैं ना, जैसे आप लोग वो जय जगदीश हरे की आरती गाते हो, भक्त जनों के संकट जम के बोलो जरा क्षण में, बस वो उसी तरह है। जय पशुपति नाथ हरे स्वामी, जय पशुपति नाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय पशुपति नाथ हरे। एक क्षण, थोड़ा पल, थोड़ी घड़ी लगती है और वो पार कर देते। दो पत्र हैं, मेरा नाम बबीता साहू है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भिलाई में तालपुरी में रहती हूँ। बबीता जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बबीता साहू, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं तालपुरी में रहती हूँ। कहीं बबीता जी बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। इधर है क्या? ठीक है, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। तालपुरी में रहती हूँ गुरुदेव। 5 साल से बच्चेदानी में गठान थी, बहुत परेशान थे। रायपुर भिलाई के सारे हॉस्पिटलों में दिखा लिया, जांच कराई तो बच्चेदानी में गठान, और डॉक्टर ने कहा था ये गठान आपकी बढ़ चुकी है और वो गठान अंदर से फूट रही है, तो इसमें कैंसर है, कैंसर की पूरी संभावना है, पूरी बच्चेदानी को ही निकालना पड़ेगा। क्या करा जाए गुरुदेव? बड़े दुखी थे, मन में बड़ा भय भी था कि जांच के लिए जाएगी और डॉक्टर बोल रहा है कि कैंसर जैसा चांस है, करा क्या जाए। किसी ने कहा, टीवी पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आ जाती है, तुम सुनो। उस दिन हमें आधे घंटे की कथा मिली, हमने सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर जाने का नियम बना लिया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल चढ़ाते, उसको पी लेते, एक बेलपत्री उठा कर लाते, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेते। बाबा, हमने बाबा से प्रार्थना करी कि आपकी कथा मिल जाए कोकड़ी में। जब 7 दिन की शुमहापुराण की कथा हुई, हमने वहां जाकर पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 3रे दिन आकर हमने जांच कराई और बाबा की कृपा से जब गठान की वापिस जांच कराई गई भिलाई के हॉस्पिटल में, तब बच्चेदानी में गठान नहीं थी और कैंसर के चांस समाप्त हो गए, जिसकी रिपोर्ट मैंने फाइल में लगाई है, जिसकी रिपोर्ट मैंने फाइल में लगा दी है। ये शिव तत्व है, यह औघड़ी है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम सीमा निर्मलकर है, मैं जामुल शिवपुरी भिलाई की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो सीमा निर्मलकर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? अच्छा, जहाँ बैठे हैं दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। ठीक है, ठीक है। मेरा नाम सीमा निर्मलकर है, मैं जामुल शिवपुरी भिलाई की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरे जीवन में बहुत दुख आया है, मेरा 13 साल का बेटा कैंसर में चला गया गुरुदेव। मैंने बेटे को खोने के बाद ऐसा लगता था कि जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। मेरे पति और परिवार के सब मुझको छोड़ दिए थे। मेरे गले में 2 गठान हो गई थी, जो कि डॉक्टरों के अनुसार ये भी
वही गठान को बताया जा रहा था जो बच्चे को तकलीफ आई थी। गुरुदेव बड़े दुखी हुए, कष्ट जीवन का बहुत आया। तब मेरी सहेली ने बताया कि तूने जांच तो करा ली है और गठान भी बता दी है दो दो बड़ी बड़ी गले में, तू एक काम क्यों नहीं करती, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ क्यों नहीं करती। गुरुदेव मैंने सहेली का कहना नहीं माना, मैं डॉक्टर को जांच कराने हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जब भर्ती हुई तब नर्स ने मुझे कहा, दीदी आप एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो और एक बेलपत्री खाना चालू करो। मैंने उससे कहा गले में गठान है, बड़ी दर्द देती है, कैसे खाऊंगी, प्रयास करो दीदी शिव जी पर जल चढ़ाओ। जब मैंने नर्स को भगवान का स्वरूप समझकर घर आ गई और जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, आज मेरी गठान गल चुकी है, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई। ये शिव तत्व है। ये ओखड़ी है, बैठी है बहन, हर हर शिव तत्व को जानो। हम तो आपसे भी कहेंगे, एक बहन ने पत्र में लिखा है, अब वो कौन बहन है, उसने पत्र में लिखा, किरण बागा पति रवीन बागा, कहीं बैठी हैं किरण बागा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। पहले तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं, आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। गुरुदेव पहले माँ अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आती थी या लेकर जाती थी तो गार्डन घुमाकर लाती थी। आज के जमाने में हमारे छत्तीसगढ़ की बहुएं जब बच्चों को लेकर आती हैं तो शिव मंदिर से घुमाकर लेकर आती हैं, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहन बैठी है, हर हर महादेव। शिव तत्व की ओर हम जाएं, किसी के कपड़े पहने देखते हो तो नकल कर लेते हो, जरा सा शर्ट में डिजाइन नकल देखकर चेंज कर लेते हो, किसी के बाल कटे देखते हो तो नकल कर लेते हो। मेरा निवेदन है जब कपड़े देखकर नकल कर लेते हो, बाल कटे देखकर नकल कर लेते हो, घर के पर्दे देखकर नकल कर लेते हो, तो किसी को एक लोटा जल चढ़ाते देखकर भी नकल करना प्रारंभ कर। बाल कटे देखकर नकल करा वो किसी काम का नहीं रहेगा, किसी के कपड़े पहने देखकर नकल करा वो किसी काम का नहीं रहेगा, किसी के कपड़े पर्दा देखकर नकल करा वो किसी काम का नहीं रहेगा, पर एक लोटा जल किसी को देखकर चढ़ाना प्रारंभ करा तो वो काम आ जाएगा, ये निश्चित है, वो देगा, उसका फल हमको मिलेगा, प्राप्त हो। पार्वती मैया शिव जी का आराधना कर रही है, पार्वती मैया शंकर भगवान को जल चढ़ा रही, पार्वती मैया शिव जी की एकांत में आराधना कर रही। उनकी सहेलियों ने देखा, सखियों ने देखा, और सखियों ने देखा तो उन्होंने भी शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ किया। बहुत ध्यान देना इस कथा पर, पार्वती जी ने एकांत में शिव जी की आराधना करी तो पार्वती जी को तो शंकर जी मिल गए, पर वो सखियों ने जो एकांत में शिव जी की आराधना करी उनको क्या मिला। जैसे किसी ने पत्र में पूछा था छोटे से लेटर में पत्र में कि पशुपति व्रत कब करना चाहिए, कोई समय नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था कि भगवान का भजन कब करना चाहिए, भगवान का नाम कब लेना चाहिए,
रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था मरने के एक मिनट पहले। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मरेंगे कब, किसको मालूम? तो स्वामी विवेकानंद जी के शब्द सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जब तुम्हें मरने का समय नहीं मालूम कि कब मरोगे तो फिर दिन भर भजन करो, कभी भी मर सकते हो, जब मौका मिले तब भजन करिए। घर में जब समय मिल जाए तब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में चले जाए। जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए, जब तुम्हारी इच्छा कर जाए तब चले जाए। एक बहू ने प्रश्न किया था नंदुरबार में कि हमारा पति मंदिर नहीं जाता और हम चले जाएंगे तो क्या उनको फल मिल जाएगा? बोलो रे छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, बोलो तुम बोलो, ऐसा हो सकता है? हमारा पति मंदिर नहीं जाएगा तो क्या हमारे जल चढ़ाने से उनको फल मिल जाएगा? तो मेरा नंदुरबार की जो बहू ने प्रश्न किया था उससे कहना है शादी में जाना तू अकेली खाना। रसगुल्ला तू खाना और उनसे पूछना स्वाद आया? पूछने में क्या जाता है? जल तुम चढ़ा रही हो, फल उसको मिल रहा। कभी पुरानी जो सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर कोरोना महामारी में जो कथाएं हुई थी ना, कभी फुर्सत मिल जाए ना तो एक एक कथा को हेडफोन में लगाकर मोबाइल पर यूट्यूब पर पड़ी होंगी वो, तो आप उसको निकाल कर सुनना। उसमें हमने वर्णन किया है नारी जल चढ़ाती है फल कब मिलता है, पति जल चढ़ाता है फल कब मिलता है, उसका वर्णन हमने किया। तुम भोजन करोगे तुम्हारा पेट भरेगा, वो भोजन करेगा उसका पेट भरेगा। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना पड़ेगा। सर्दी तुमको हो रही है और रुमाल तुम अपने पति को दे दो, नाक पोंछ लो, चलेगा? नी तुम्हारे भिलाई में ऐसा होता हो तो बता देना रीजी जी। खांसी तुमको हो रही है और तुम जैसे अभी हमको खांसी हो रही है, हम तुमसे कह दें हम नहीं खांसेंगे, तुम खांसो, चल जाएगा? नहीं चलेगा। अब छींक अपने को आ रही है और तुम पड़ोसन को छींकते छींकते छींकते, अब छींक अपने को आ रही है, वो छींकेगा चल जाएगा? नहीं चलेगा। अपना छींक अपने को छींकना पड़ेगा, अपनी खांसी अपने को खांसना पड़ेगा, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा, इसलिए अपना भजन भी अपने को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं करेगा, अपने को करना। इसलिए अपने पतियों से भी कह देना, अपने परिवार वालों से, बच्चों से, कुटुंब से, कबीले से, सबसे कह दो घर जाओ घर से एक लोटा, घर में चार पांच तांबे के लोटे रख लो, छोटे 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 छोटे, बच्चों के हाथ में भर कर दे दो, जाओ जल चढ़ा कर आओ। बच्चे भी इतने चतुर हैं, तुम एक दो बार जल चढ़ाने का बोलोगे फिर कभी नहीं बोलोगे, वो अपने आप चले जाएगा, अपने आप चढ़ा कर आएगा, उसकी चित्त वृत्ति में वो समा जाए। अपने आप। अब पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, पार्वती जी ने शंकर भगवान की आराधना करी, माता पार्वती को शिव जी पति के रूप में मिल गए, पर ये जो सखियां थी पार्वती जी की जो शंकर जी की आराधना कर रही थी, इनको क्या मिला? जिन्हें देखा नकल करी, अच्छा नकल में भी अकल की बहुत जरूरत होती है। कक्षा आठवीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे,
और आठवीं के पेपर में लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले ने आगे वाले का झांक कर देख कर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अच्छा याद इसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। कभी कभी तुम्हारे साथ भी यह गड़बड़ हो जाता है, किसी को देख लेते हो बड़ी सुंदर स्टेज पे दिख रही, बड़ी सुंदर दिख रही, दुल्हन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बस तुमने स्टेज पे देखी है। कभी जब शादी हो जाए और उसके 2 साल बाद जाकर देखना, क्योंकि शादी का पहला साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने, इनको देख कर आए। तुमने तो कह दिया लड़की बड़ी सुशील है, लड़की बहुत बढ़िया है, लड़की बहुत अच्छी, दिखने में कितनी अच्छी लग रही, स्टेज पे कितनी जोरदार लग रही। अरे जो स्टेज पे जोरदार लगे इनको एक आध बार बापरो तो रे, एक बार इनसे मिलो तो सरी, फिर जाकर 2 साल बाद पूछना घर की सासू से बहू कैसी है, बस सास उत्ते में कह देगी बोली नहीं है, बस उसने तो पल्लू सिर पे धरया, इतना ही करया उतनी देर में तो तुरंत कह दिया हम तो हमारे घर जा रहे। उत्ते में समझ गए कि तू तो काली रे कल्याणी हो माय, जित देखूं उत जोग माय, ओ तू तो इसी घर में ब्याह के आई मोरी माय, जित देखूं उत जो। अब समझे तो समझे ना, ये जाना मती कभी जो बहुत बहुत विचित्र है महाराज, बहुत विचित्र, बहुत समझने की जरूरत है बहुत। जैसे नाटकों में सीरियलों में दिखाते हैं ना, वैसे लोग आजकल अपने घरों में करने लगे नकल, देखकर कर रहे हैं। शादी हुई 6 महीने के बाद तलाक, लोगों ने भी वही करना चालू कर दिया। शादी हुई 2 साल के बाद तलाक, ना ना ना, ये हमारा सनातन धर्म नहीं कहता। सनातन धर्म कहता है थोड़ी तकलीफ आएगी जिंदगी में, मना नहीं है, थोड़ा निभाना, थोड़ा संघर्ष करना, और संघर्ष कर लोगे निभा लोगे तो कुछ मिल जाएगा, आगे बढ़ जाओगे, करो मेहनत। पार्वती जी को तो शिव जी मिल गए एकांतेश्वर महादेव का पूजन करने से, पर सखियों को क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ उनको? तो कहा एकांतेश्वर जहां पर पार्वती जी शिव जी का पूजन कर रही थी वहीं पर बैठकर सखियां शिव जी की आराधना कर रही थी, क्या मिला उनको? शिव महापुराण की कथा और स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण नर्मदा पुराण कहती है, कुर्म पुराण और ब्रह्म वेवर्त पुराण कहती है, पार्वती जी की सखियों को पार्वती जी का संग कैलाश का धाम मिल गया और शंकर भगवान की सेवा में लग गई, सेवा में लग। कभी सेवा का मौका मिल जाए, जैसे नदियों की शुद्धता के लिए, नदियों की रक्षा के लिए, कुएं बावड़ी तालाब की रक्षा के लिए आप लोगों से प्रार्थना करी गई थी कि निर्माल्य विसर्जन का रथ तैयार किया जाए गांव गांव नगर नगर में हफ्ते में एक बार। जैसे रोज कचरे की गाड़ी घूमती है और कचरा आप उसमें डाल देते हो, उसी तरह निर्माल्य विसर्जन मंदिर में चढ़ा हुआ फूल पत्ती धूप अगरबत्ती
भगवान के फोटो वगैरह, अगरबत्ती के पूड़े, अखबार में छपे हुए भगवान के फोटो, ये सब निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी में डालो, उसको ले जाकर एक कोने में डालो, जिससे नदी नाले पवित्र कुएं ये सब शुद्ध हों, और उस निर्माल्य की सामग्री से खाद बने, वो खाद पेड़ पौधे में दी जाए, और वो खाद से पूरे पेड़ पौधे स्वच्छ रहे। धन्यवाद दूंगा जिन्होंने निर्माल्य की गाड़ियां चलाई हैं, श्री सिद्धेश्वर महादेव महिला मंडल पीतमपुर से एक निर्माल्य की गाड़ी चलाई है, जोरदार ताली बजाएं। शिव शक्ति महिला समिति बिलासपुर से एक निर्माल्य की गाड़ी चलाई है, चार भुजानाथ मंदिर महिला मंडल सांवेर से एक निर्माल्य की गाड़ी चलाई है, जय भोले बाबा समिति मजदूर नगर सरोर सासोर से रायपुर से सरोरा रायपुर से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, बालाजी महिला मंडल ब्यावर राजस्थान से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, नारायण मुरलीधर रुद्रावार ताड़कलस तहसील पूना जिला परभणी से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, बखरकर नगर महेश्वर सोसाइटी धूलिया से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, अंकित भाऊ सोनी शिरपुर से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, दिलीप जायसवाल सुवासरा से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, शिखर मधु श्रीवास्तव जालौन उत्तर प्रदेश से एक गाड़ी चलाई है, बैजनाथ महिला मंडल बदनावर से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, श्रीमती पुनीता सुनील सिंह रावत गाजीपुर से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, नांदेड़ से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर धमतरी संभाजी नगर से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, शिव भक्त शिवपुरी बी गंगापुर राजस्थान से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, और श्री हृदयेश्वर महाकालेश्वर मंदिर मंडल नामाली से एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, साथ ही अवधपुरी भाटा गांव राम दरबार मंदिरपुर मंदिर रायपुर से भी एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चली है, जोरदार ताली बजाएं। और जननी महिला मंडल प्रोफेसर कॉलोनी छत्तीसगढ़ से भी एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली बजाइए। कथा के माध्यम से जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में नगर में गाँव में निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियाँ आप लोग चला रहे हो, उसमें एक छोटा सा माइक अवश्य लगाएं, जिसमें सुबह के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप चलता रहे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप चलता रहे, जिससे प्रातः के समय पर जब गाड़ी निर्माल्य लेने के लिए घर घर जाए तो वहां से उनको मंत्र का जाप भी हो और उनका जीवन सार्थक हो। एक बार सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आस्था चैनल वालों से निवेदन है, जिन जिन ने ये निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई है, पूरी कथा में कम से कम 10 से 15 बार इन लोगों के निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियों के फोटो आधिकारिक दिखाते रहे। जिन जिन के निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी के नाम आ रहे हैं वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर संपर्क करते रहें, जिससे आपके फोटो भी यहाँ चलते रहें, और चलाई हैं उनको सीहोर में बुलाकर कुबेरेश्वर धाम से सम्मान दिया जाए और सम्मानित किया जाए, ऐसा प्रयास निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियों के लिए किया जाएगा। शिव तत्व पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त करा, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण किया, सखियों ने शिव तत्व को प्राप्त किया। सहजता नहीं होती शिव तत्व, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। आगे वर्णन आया, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए भगवान विष्णु जी से निवेदन करा और एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण हुआ, जिसमें से भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर अपनी वाणी से कहे।
अग्नि का एक खंभ प्रकट हो। फिर निवेदन करेंगे, कभी आपके जीवन में आपको लगे कि बहुत बड़ी बीमारी ने हमको घेर लिया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा रोग हो गया है, डॉक्टर अपना काम करें, आप प्रयास करना किसी एकांत के शिवलिंग पर जाना और एकांत के शिवलिंग पर किसी वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़कर भी आप एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाकर दिल से कहकर आओगे तो बाबा उसको स्वीकार कर कर रोग से मुक्ति करेंगे। बोले कांतेश्वर महादेव की, दिल से कहा गया, पुकारा गया, वो सुनता। भोलेनाथ दया करना, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। अगली लाइन आप गाओ ना, ना उनके, बहुत धीमे गा रहे हो, थोड़ा अच्छे से गाओ, ना इनके, ना उनके, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे दादा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर।